अकरम है डी सी कैफे में दोबारा। आज मेरे साथ यकूत भाई है एज़ यूजुअल, अभी हमेशा आपको मेरे साथ नजर आएंगे व्लॉग्स में। और आज ये व्लॉग नहीं है, आज हम लेने आए हैं इंटरव्यू डी सी कैफे के ओनर का। सो आज हमारे साथ है भाई शहरोज़, ओनर ऑफ डी सी कैफे। तो सबसे पहले भाई शहरोज़, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा वाई डी सी कैफे। लॉन्ग स्टोरी उसमें ये है कि मैं इस्लामाबाद में रह रहा था 9 साल से। आई वॉज वर्किंग वो देयर डिफरेंट कंपनीज, सो मेरे वाला साहब की करंट डेथ हुई थी। तो बीइंग अ सिंगल सर मुझे वापस आना पड़ा क्योंकि फैमिली का बिजनेस यहाँ पे था, तो इतना बड़ा था कि मैं अकेला ही ध्यान अपना लाजमी था और मैं छोड़ नहीं सकता था उस चीज़ को। मैं वापस आया, मैंने अपने फैमिली बिजनेस को संभाला। उसके साथ हमेशा से आई बीन इंटरेस्टेड फूड बिजनेस में, इंटरेस्ट लेता था फूड बिजनेस में, मेरे आइडियाज़ थे, बट इस्लामाबाद में जॉब की वजह से या लाइफ की वजह से मैं इम्प्लीमेंट कर नहीं पड़ा। तो मेरे पास मौका था फैमिली बिजनेस में देख रहा था, साथ साथ मेरे पास मौका था कि मैं फूड के बिजनेस में अपने आप को एंटर कर सकता था। बुरे वाला में बहुत पोटेंशियल था, बहुत लोग पोटेंशली पढ़ चुके हैं, एजुकेटेड हो चुके हैं, बहुत अच्छा एक शहर बन चुका है। फिर मैंने दो आइडियाज ऑफ एक मॉल सीखे जिसका एक मॉल टेक हुए होता है, उसके साथ से कैफे डी सी मैंने इंट्रोड्यूस किया। बुरे वाला में डिफरेंट चीज़ें हैं और एक ऑनलाइन किचन है जिसे आप ऑनलाइन ऑर्डर वगैरह करते हैं, जो भी आपकी कभी से लाहौर से पूरे पंजाब से आप ऑर्डर कर सकते हैं, हम फ्री चीज़ें पहुँचाते हैं। और कैफे डी सी आपके सामने ही हमने एक डाइनिंग सेटअप के साथ डिफरेंट पेज शेयर करें। तो उसके अलावा प्रॉब्लम लाइफ इज प्रॉब्लम क्या, जिंदगी बड़ी प्रॉब्लम वाली रही है स्टार्टिंग फ्रॉम माई डाइट। ठीक है, उधर से चले गए, अल्कोहलिक हो गए स्टार्टिंग में लाइफ में, उसके बाद यूनिवर्सिटी गए, यूनिवर्सिटी में अपने को ठीक किया, अप्स एंड डाउन होते रहे, इमेच्योरिटी होते करते रहे, हर तरह की स्टेजेस लाइफ में आए, कभी लव में धोखे खाए, कभी वो एक चीज़ मेच्योरिटी लेवल बहुत ज़्यादा था, बट आई थिंक डेथ ऑफ माई फादर मैंने बहुत कुछ सीखा लाइफ के बारे में, बहुत सीरियस हुआ, लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट, वो लाइफ में बहुत टफ टाइम दिया बिफोर बहुत मेरे पूरे रिजा थे, मैं हर तरह की उल्टी हफ्ते करता था, बट आई वॉज इन्जॉइंग एवरी थिंग। ठीक है, बेशक किसी से पलटा हो, किसी से लड़ाई हो या कुछ भी हो, तो आई वॉज इन्जॉइंग एवरी थिंग। बट आप तो मैं बहुत राइट है, आई मैं देख रही लाइफ एक्चुअली ठीक है, लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज थे मेरे मतलब सब कुछ था, हालांकि किसी किसी में मुझे कमी नहीं है किसी चीज़ की, लेकिन फिर भी जो लाइफ की डिफिकल्टी होती है जब आप मेम्बर ऑफ फ्रेंड बन जाते हो होंगे तो एक डिफिकल्टी होती है, हर पल आप लड़ते हो अपने साथ, इट्स नॉट ईजी विन एवरी टाइम, बट आप हमेशा गिरते हो, आप किसी कुछ चीज़ खड़ी नहीं होती, आपको ही फाइट करनी होती है उसके साथ, तो इट्स डिफिकल्ट। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह मेहरबान है, मेरे बाप की ऊपर से दुआएं हैं, मेरी माँ की भी यहाँ से दुआएं हैं कि मैं रोज़ अपने लाइफ के साथ एक पुख्ता हूँ, एक चैलेंज के साथ उसको आगे बढ़ने की ट्राई करता हूँ, और अल्लाह ताला हमसे मेहरबान, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं आ गया। आई थिंक सर मेरी वालदा, मेरी मदर, मेरी स्पोर्ट की और कुछ एक्सपीरियंसेस इन माई लाइफ, कुछ लोगों ने मुझे इस तरह लाइफ में धोखे दिए या किस तरह मुझे बैक ऑफ किया, उससे मैं बहुत सीखा उनसे, उससे ये हुआ कि मैं बहुत मेरी थिंकिंग बहुत ब्रॉड हो गई। लेकिन मेरी माँ, माई मदर जो मेरे लिए सब कुछ है, उनके लिए जो है आई थिंक सो मैंने ये उनकी स्पोर्ट, उनसे जो है ये मेरी बहुत सारा मुझे ताकत मिल रही है, और साथ मेरे मामू है क्योंकि मैं वासवा में गया था, उनकी सपोर्ट, उनकी मुझे हर तरह से हेल्प, मेरी मेंटली ग्रोथ अपने बिजनेस में उन्होंने मेरी की है, आई थिंक सो वो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आप जो लोग अपनी ज़िंदगी में हार जाते हैं यानी कोई भी छोड़ देते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? हमेशा कह देते नेवर गिव अप, बट इट्स नॉट इजी टू गिव अप, इट्स वेरी इजी टू गिव अप, नेवर गिव अप बहुत मुश्किल होता है। मैं हर रोज़ लड़ता हूँ, हर रोज़ हारता हूँ, हर रोज़ लड़ता हूँ, बट ये है कि आप क्या कर सकते हो, आप यू हैव टू फाइट योर लाइफ, जो जिंदगी आपके सामने चैलेंजेस लेके आ रही है आपको उसको लड़ना ही है, अगर आप नहीं भी लड़ोगे फिर कहीं ना कहीं आपको तंग करेगी, तो आप बजाय से कि आप सत्ता को आपसे लड़ो। आई हैव बीन, मैंने बहुत लाइफ में मुश्किल देखी, अप्स एंड डाउन देखे यूनिवर्सिटी टाइम में, यूनिवर्सिटी के बाद अपनी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, बट वन थिंग आई ऑलवेज से यार कि उम्मीद है कि आगे सब कुछ ठीक होगा, तो एक अगर ये होप अगर चली जाए लाइफ में से, होप करना बंद करो, सब ठीक हो जाएगा। इफ़ यू स्टार्ट होपिंग यार ये सब कुछ ये हो जाएगा, फिर ऐसा होगा, फिर अगर आप होप करना बंद कर दोगे सब ठीक हो जाएगा। जैसा हो रहा है आप होप करोगे आगे मेरा बिजनेस चल पड़े, तो आप मेरा होप, अगर होप आप करना छोड़ दोगे एवरीथिंग विल बी फाइन। आप सोचना छोड़ दो, आप वो देखो जो प्रेजेंट में चल रहा है, और अल्लाह पे छोड़ दो, अल्लाह ने आपके लिए कुछ ना कुछ भी लिखा होगा,
बी ऑनेस्ट, ईमानदारी से काम करो, दिलगी से काम करो। ऐसे मेरे ये था कि मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, मतलब वर्सली मेरा कोई एम्प्लॉय है या कितने भी मेरे यहाँ पे मेरा प्लाजा भी ऑन हो रहा है या मेरे जो होटल्स हैं सब कुछ है, जितने भी मेरा वर्किंग मेरा पेट्रोल पम्प है, मेरी सोसाइटी है, मैंने हमेशा अपने एम्प्लॉयज़ के साथ हमेशा बहुत अच्छा रहा है। आप अगले को इंसान समझो और होप करना बंद कर दो यार, होप से मैं ये करूँगा, होप सो डोंट होप, काम करो मेहनत करो उसका लड़ना बैठो। That's what I think, believe, लोग ये बिलीव करें कि यार जो होना है उसको आप टाल नहीं सकते, और अगर आप उसको डर के बैठोगे कि यार ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो आप उसको स्टॉप करते हैं।